फ्रेंड्स, आई एम करिश्मा एंड यू आर वॉचिंग करिश्मा स्टडी पॉइंट। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आज हम देखेंगे मशीन आवर रेट का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन। हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में सीखा था कि मशीन आवर रेट क्या होता है, उसे एक छोटे से एग्जांपल की मदद से सीखा, और जो उसका मशीन आवर रेट का सेकेंड पार्ट है उसमें हमने एक क्वेश्चन लिया था। तो आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये 3 मशीन्स के बारे में है। ए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हैज 3 डिफरेंट मशीन्स एंड कैलकुलेट मशीन आवर रेट। एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के पास 3 अलग अलग तरह की मशीनरीज हैं, हमें उनका प्रोडक्शन आवर रेट निकालना है। फर्स्ट, कंज्यूमेबल स्टोर के एक्सपेंसेस दिए गए हैं, रिपेयर के एक्सपेंसेस दिए गए, मशीन 1 के, 2 के, 3 के, पावर के एक्सपेंसेस हैं, ये तीनों मशीन्स के मिला के, लाइट के भी तीनों मशीन्स के मिला के, रेंट, जगह का रेंट, इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग दी गई है, मशीन की इंश्योरेंस के पैसे दिए गए हैं, डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन्स ये तीनों मशीन्स का दिए गया, सुपरविजन एक्सपेंस, जर्नल चार्जेस और कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दी गई है हमें। हॉर्स पावर दी गई है तीनों मशीन्स की, एरिया दिया गया है हमें कि वो कितना एरिया घेरती हैं, बुक वैल्यू दी गई है हमें मशीन्स की, और वर्किंग आवर्स दिए गए हैं हमें मशीन के। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट मशीन आवर रेट फॉर ईच 3 मशीन, हमें तीनों मशीन्स के लिए मशीन आवर रेट निकालना है। ठीक है, ये तीनों चीजें इन एक्सपेंस को, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन इसलिए दी गई है ताकि हम इन एक्सपेंसेस की एलोकेशन कर सके। तो आइए फॉर्मेट बना लेते हैं। सॉल्यूशन, इस पार्ट में हम लेंगे हमारी आइटम, इसमें हम लिखेंगे बेसिस। बेसिस आपको पिछली प्रीवियस वीडियो में सिखा दिए गए हैं क्या होते हैं, अगर आप चाहें तो हमारी प्रीवियस वीडियो देखकर समझ सकते हैं कि किस बेसिस पे क्या एलोकेशन करनी है। मशीन 1, 2, 3 तीनों के एक्सपेंस, ये हमारा हो गया फॉर्मेट कंप्लीट। फर्स्ट हम आइटम लेंगे इसमें से कंज्यूमेबल स्टोर, कंज्यूमेबल स्टोर के एक्सपेंसेस, कंज्यूमेबल स्टोर के एक्सपेंसेस पहले ही एलोकेट हुए हुए हैं, ये टोटल अमाउंट हमने यहाँ लिख दिया, एलोकेशन की है हमने, एलोकेशन 300, 500 and 600। नेक्स्ट हम लेंगे रिपेयर, रिपेयर की भी एलोकेशन की जाएगी, टोटल 400, 600, 800। नेक्स्ट हम लेंगे पावर को, पावर की हमें एलोकेशन करके नहीं दी गई है इसलिए पावर को हम एचपी हॉर्स पावर के हिसाब से बांटेंगे। एचपी पावर का टोटल एक्सपेंस है 720 और यहाँ पे हमारा टोटल क्या बन रहा है 5, 10 और 15, 30। ठीक है, तो इसकी एलोकेशन हमारी होगी 720 मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट मशीन की 5, और यहाँ पे हम देख रहे हैं फर्स्ट मशीन 5 डिवाइड बाय टोटल इसका 30, तो ये हमारा आएगा 120। नेक्स्ट फिर ऐसे ही 720 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 30, ये हमारा आएगा 240 एंड नेक्स्ट 360। फोर्थ में हम लेंगे लाइट, लाइट का एक्सपेंस है 400, टोटल एक्सपेंस लाइट का 400, इसे एरिया के हिसाब से बांटेंगे, एरिया कितना है हमारा टोटल मिला के हो गया 1000, तो इसके डिवाइड में हम रखेंगे 1000
मल्टीप्लाई बाय 400 और टोटल एक्सपेंस हमारा कितना हो गया, हमारा यहाँ से ये टोटल एक्सपेंस आ गया, ये हमारे हो गए 400, 100 और ऊपर से हमने ये एरिया का ले लिया 100, ये हमारा हो गया 1040 यहाँ से ये टोटल आया, 100 हमारा एरिया फर्स्ट मशीन का, ये 400 हमारा 40 हो गया, 200 और 160। आप ये देखें इनका टोटल करके हम देखेंगे तो दोबारा वही आएगा, 200 प्लस 160 प्लस 40 400। फिफ्थ आ गया हमारे पास रेंट, रेंट हमारा है 2400 रुपये, 2400 रुपये, इसे भी हम एरिया के हिसाब से बांट देंगे, इसमें भी नीचे 1000, टोटल रेंट 2400 रुपये हमारा हो गया और ऊपर एरिया हमारा कितना हो गया 100, 1000, 100, तो ये हमारा आ गया 240 रुपये, 1200 रुपये और 9600 रुपये। आप इन सबको अगर कोई गलती लगे तो बैक टोटल करके देख सकते हैं, आपका यही अमाउंट आएगा। नेक्स्ट हम लेंगे इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग, दोबारा से फॉर्मेट खींच लेते हैं, आइटम बेसिक टोटल मशीन 1, 2, 3, आइटम बेसिक टोटल मशीन 1, 2, 3। अब नेक्स्ट हमारा क्या था, इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग 200 रुपीज, इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग को भी हम एरिया के हिसाब से लेंगे। अब आपको समझ आ गया होगा ये हमें कैसे निकालना है, एरिया 1000, इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग 200, 1000 और टोटल 200 से करके ऊपर वाला 100 रख देंगे, 200 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 1000, 20, 100 and 80। नेक्स्ट हम लेंगे इंश्योरेंस ऑफ मशीन, पहले हमने बिल्डिंग ली थी, अब हम इंश्योरेंस ऑफ मशीन लेंगे, इंश्योरेंस ऑफ मशीन, इसे हम बुक वैल्यू के हिसाब से बांटेंगे, मशीन की बुक वैल्यू, वो जमीन थी इसलिए हमने उसे एरिया के हिसाब से बांटा था, ये मशीन की इंश्योरेंस है इसलिए हम इसे मशीन की कॉस्ट के हिसाब से बांटेंगे। अब इंश्योरेंस ऑफ मशीन कितने रुपए की, इंश्योरेंस ऑफ मशीन है 480 रुपए की, 480 टोटल। और हमारे पास बुक वैल्यू की क्या टोटल है, ये हमारी हो गई बुक वैल्यू 6 और 2 8 48, इसे हम डिवाइड में टोटल लेंगे 48, 480 और फर्स्ट मशीन की कितनी बुक वैल्यू है 12000 फर्स्ट मशीन की बुक वैल्यू है, तो हमारी आगे क्या बटेगी 120, 200, 160, ठीक है। नेक्स्ट हम लेंगे इंश्योरेंस ऑफ मशीन हो गया, डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन, इसे हम बांटेंगे मशीन आवर्स में, इसे मशीन आवर में इसलिए बांटेंगे क्योंकि जितनी मशीन चलेगी उतनी ही डेप्रिशिएट होगी, तो हम अमाउंट देख लेते हैं इसका, डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन 7200 रुपये, 7200 रुपये, ठीक है, 7200 रुपये मल्टीप्लाई,
अब हम देखेंगे कि मशीन्स आवर कितने बन रहे हैं, 10, 25 और 20, 55 आवर्स टोटल। ठीक है, तो हम इसके टोटल में 55 आवर्स ले लेंगे। और फर्स्ट मशीन के वर्किंग आवर्स कितने हैं, 10,000। हम यहां से इसके वर्किंग आवर 10,000 निकाल लेंगे। ₹7,200 10 आवर, 1309। नेक्स्ट 3273 2618। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट लेंगे सुपरविजन। आपको ये लाइन वाइज चलाना ताकि आप बीच में से कुछ भूल ना जाए लेना। सुपरविजन के एक्सपेंस है ₹4,400, टोटल एक्सपेंस ₹4,400। और इसका बेसिक हम लेंगे एरिया, यानी कि एक पर्सन ने कितने एरिया पर सुपरविजन किया। अब इसके एक्सपेंस कितने हो गए, ₹4,400 मल्टीप्लाई बाय एरिया हमारा कितना था। देखिए एरिया था हमारा 1000, एरिया था हमारा 1000। ठीक है, ऊपर हमारा क्या आएगा, फर्स्ट मशीन ने कितना एरिया लिया हुआ है। देखिए फर्स्ट मशीन ने कितना एरिया लिया हुआ, 100। ठीक है, तो हम ऊपर देंगे 100। अब इसका टोटल आ जाएगा 440, 220, 1760। ठीक है, अब नेक्स्ट लेंगे हम जर्नल चार्जेस। जर्नल चार्जेस है ₹1,100। जर्नल चार्जेस को भी हम एरिया के हिसाब से बांटेंगे, ₹1,100 मल्टीप्लाई बाय एरिया कितना था हमारा 1000। यहाँ पे दोबारा देख लीजिए, एरिया का टोटल था 1000। फर्स्ट मशीन ने एरिया कवर किया हुआ है सौ। तो हम एक्सपेंस किस तरह से बांटेंगे, ₹110, 550440। अब हम इन सबका करेंगे टोटल। अब हम इस सारे अमाउंट का पीछे से लेके यहां तक टोटल करेंगे। ये टोटल मैंने पहले ही किया हुआ है, तो मैं लिख देती हूँ, ₹20,100, 3099906379938। अब हम नीचे इसके डिवाइड में रखेंगे वर्किंग आवर्स, हमारे कितने थे वर्किंग आवर्स, हमारे कितने थे। फर्स्ट मशीन के वर्किंग आवर्स से 10,000, 25,000 और 20,000। 10,000, 25,000 और 20,000। यहाँ पे मेरा स्पेस खत्म हो गया इसलिए मैं इधर ले रही हूँ। मशीन 1, 2 एंड 3, इनका टोटल 3099906379938। इनके वर्किंग आवर 10,000, 25,000 और 20,000। ये हो गए हमारे वर्किंग आवर्स। ठीक है, अब इनको डिवाइड कर लेंगे पर आवर मशीन रेट।
अभी ने हम डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास पर आवर मशीन रेट निकल आएगा। तो हमारे पास पर आवर मशीन रेट क्या निकल आएगा, 0.3099। नेक्स्ट का क्या निकलेगा, 0.3969। ये हमारा निकल के आ गया तीनों मशीन्स का पर आवर रेट। हमारे इस चैनल पर रोज स्टडी रिलेटेड वीडियोस आती हैं और मशीन आवर रेट का भी एक पार्ट और आएगा। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। और सब्सक्राइब करते हुए पास में जो बेल आइकन है वो भी जरूर प्रेस कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।